स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर सेकेंड इन ज्योग्राफी ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। द अर्थ इज टू बिग फॉर एनी वन टू सी द होल ऑफ इट एट वन टाइम। वी कैन सी ओनली ए पार्ट ऑफ इट। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और एनी वन कोई भी उसको एक बार में एक ही समय पर देख सकता है। हम जो उसका सिर्फ एक ही पार्ट एक बार में देख सकते हैं। टू स्टडी द अर्थ वी कैन मेक अ स्मॉल मॉडल ऑफ इट। पृथ्वी को स्टडी करने के लिए हमें इसको एक स्मॉल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत कर सकते हैं। दिस मॉडल रिसेम्बलिंग द अर्थ हेल्प्स अस टू स्टडी द वेरियस फीचर्स इन अ बेटर वे। और इस तरह से इसका जो मॉडल रिसेम्बल होता है वो अर्थ की को पढ़ने में हमारी मदद करता है और इसके बीच डिफरेंट जो वेरियस फीचर्स हैं उसको भी हम बेटर वे में समझ सकते हैं। द ग्लोब, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोब। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब एक पृथ्वी का ही एक मॉडल है। इट गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी की हमें सच्ची पिक्चर देता है या उसकी शेप उसके आकार की हमें ट्रू पिक्चर दिखाता है। द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर शोन करेक्टली ऑन आर रेड्यूस स्केल। जो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट्स हैं ओशियन है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये रिड्यूस स्केल पर इसे बिल्कुल सही तरीके से शो किए गए हैं। डिस्टेंसेस एंड डायरेक्ट डायरेक्शंस आर ऑल्सो करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ग्लोब्स आर ऑफ वेरिंग साइज। जो यहाँ पर डिस्टेंसेस हैं डायरेक्शंस हैं वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं सही तरीके से। ग्लोब आर ऑफ वेरिंग साइज, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। द स्मॉल वन आर हैंडी एंड कैन बी कैरिड ईजीली। जो छोटा होता है स्मॉल होता है उसको हम ईजीली हैंडल कर सकते हैं, कहीं भी ईजीली ले जा सकते हैं। द ग्लोब शो नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ द अर्थ सरफेस बट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है ये हमें ये दिखाता है सिर्फ यहाँ की इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल या पृथ्वी के सरफेस को ही नहीं बताता, लेकिन ये हमें हेल्प करता है यहाँ की मूवमेंट पृथ्वी के मूवमेंट को भी समझने में। ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ये ग्लोब है आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है ये ग्लोब जो है ये मॉडल ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का ही एक मॉडल है। हमारी पृथ्वी ऐसी ही गोल है। द ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस एंड कैन स्पिन जस्ट लाइक द अर्थ। सिंस द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड द एक्सिस ऑन द ग्लोब टू इज शोन इन द सेम मैनर। जैसे आपको यहाँ पर पृथ्वी जो ग्लोब है वो अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, घूमता है पृथ्वी की तरह, जैसे इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। जो ये अर्थ है अपने एक्सिस पर भी टिल्टेड है और यहाँ पर ये तिरछी इस तरह से शोन की गई सेम एज मैनर में। जो हमारा ग्लोब है वो भी जैसे ये घूमता हुआ दिखाया, सेम एज पृथ्वी भी इसी तरह से घूमती है। द बिग निडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज इमेजिनरी एक्सिस ऑन विच द अर्थ रोटेट। जो ये ग्लोब का जो एक इमेजिनरी एक्सिस पर ये घूमती हुई है रोटेट करती है सेम एज ऐसी काल्पनिक निडल पर ये फिक्स की गई है और ऐसे ही घूमती है। द टू एंड्स ऑफ एक्सिस आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली। जो इसके दो एक्सिस पर जहाँ पर ये एंड हो रहा है उसको नॉर्थ और साउथ पोल के नाम दिया गया है। द ग्लोब हैज लाइन्स ड्रॉन ऑन इट्स सरफेस विच फॉर्म अ क्रिस क्रॉस पैटर्न कॉल्ड द ग्रीड। जो क्रिस क्रॉस पैटर्न के रूप में जो ये लाइन्स हैं उसको हम ग्रीड के नाम से जानते हैं। द लाइन्स कट ईच अदर एट राइट एंगल और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। द ईस्ट वेस्ट लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स वाइल द नॉर्थ साउथ लाइन आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द लाइन विच डिवाइड्स द ग्लोब इन टू टू इक्वल हाफ इज नोन एज द इक्वेटर। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड एंड द नंबर एज 0 degree लैटिट्यूड। हाफ ऑफ द अर्थ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसको हम साउदर्न हाफ को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नॉर्दर्न हाफ है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पैरलर्स और लैटिट्यूड्स। जो हमारे ये पैरलर्स हैं
जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं वो भी हमें अब यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैरेलल लैटिट्यूड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ लैटिट्यूड